हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम बनाते हैं एक चटपटी सी चटनी। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने लाल मिर्च को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था। ये हमारा अच्छे से भीग चुका है। तो चलिए इसका हम पानी निकाल लेते हैं। इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, बस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में यूज कर लेंगे। चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। चलिए चलाते हैं गैस। गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। चलिए इसमें डालते हैं तेल। इसमें हम 1.5 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। आप इसमें कोई भी तेल डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ। इन दोनों को हम मिला लेते हैं। हल्का सा भून लेंगे। चलिए अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। ये देखिए, ये आधी कटोरी लहसुन लिया है। इसको हम इसी में डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भून लेते हैं। देखिए मेरा लहसुन हल्का सा भून चुका है। अब चलिए इसमें हम अपना ये लाल मिर्च डाल देते हैं। और इसको हम हल्का सा अब इसमें हम डालेंगे, ये है आमचूर पाउडर, जो हमारी चटनी को खट्टापन देगा। यही से हम इसे मिला देते हैं। आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। देखिए अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। इसे हम मिक्सर जार में डाल लेंगे। देखिए इसे हम पीस लेते हैं। अभी इसमें हम जो हमने पानी निकाला था मिर्चा का, उसको इसी में डाल डाल के हम इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया है। चलिए हम फिर से जलाते हैं गैस। देखिए हमने गैस जला के कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। तब तक हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। ये देखिए, और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 5-6 कली लहसुन की। लहसुन को हल्का सा भून लेते हैं। देखिए अब इसमें हम ये जो चटनी पीस कर रखे हैं, उसको हम इसमें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं नमक। देखिए हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। ये देखिए, और इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारी चटनी एकदम पक चुकी है। ये बनकर तैयार है। चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इसे
पूड़ी या पराठे या किसी पकौड़ी के साथ आराम से खा सकते हैं। अगर आपकी सब्जी बनाने का मन नहीं है, घर में कोई सब्जी नहीं है, तो आप इसे इस चटनी के साथ पूड़ी पराठे रोटी या पकौड़ी कुछ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। और आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में, चाहे प्लास्टिक हो या कांच का, किसी में भरकर फ्रिज में रख दीजिए, तो आपका 1 महीने तक ये खराब नहीं होगा। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।